आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा बिना भिगोए एकदम सही तरीका से। तो फिर देर की स्वाद की चलिए शुरू करते हैं हलवा बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ आइडियल किचन में। हलवा बनाने के लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो हैं एक बॉल मूंग दाल, लगभग 250 ग्राम के करीब हैं ये मूंग दाल, एक कटोरी घी, एक कटोरी मिल्क पाउडर, एक कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं हलवा। तो अब हम सबसे पहले मूंग दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे और एक स्ट्रेनर पे मूंग दाल को 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। अब हम कढ़ाही लेंगे और इसे गैस पे रखेंगे और फिर गैस को कर देंगे ऑन। फिर कढ़ाही में डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। अब हम इसमें वॉश किया हुआ मूंग दाल को भूनेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। जब इसकी भुनाई होना शुरू हो जाएगी ना, तो इसमें से एकदम धीमी धीमी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसे भूनते भूनते हमें 10 मिनट लगे हैं और ये देखिए हमारा मूंग दाल का कलर कितना अच्छा आया है। ये एकदम गोल्डन कलर का लग रहा है ना। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और अब हम इसी कढ़ाही में 1 चम्मच घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मूंग दाल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें मूंग दाल को ट्रांसफ़र करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए हमारा मूंग दाल का पाउडर रेडी हो चुका है। तो अब हम वापस से उसी कढ़ाही में सारा घी डाल देंगे जितना मैंने कटोरी में लिया था और इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल और इसे भी थोड़ी देर तक भूनेंगे। फिर इसमें जाएगा मूंग दाल का पाउडर और इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे हमें ज़्यादा भूनना तो है ही नहीं क्योंकि दाल को मैंने पहले ही भून लिया था। तो अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर और इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें जाएगा दूध। दूध को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था। मैं मूंग दाल का हलवा दूध में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे पानी में भी बना सकते हैं। अब मैं हलवे को अच्छे से चलाती रहूँगी ताकि हमारा हलवा कढ़ाही के तले में चिपके ना। हलवे में दूध थोड़ी कम लग रही है, इसमें 1/2 कप दूध और डाल देती हूँ और ड्राई फ्रूट्स को भी कट करके इसी टाइम डाल देती हूँ। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे ही हलवा का कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाए तो इसमें डाल देंगे गुड़ और इसे चलाते रहेंगे। एक तो ये हलवा पहले से ही हेल्दी था ही क्योंकि ये मूंग दाल का हलवा है इसलिए, और इसमें जब गुड़ ऐड कर देंगे तो ये और भी फायदेमंद हो जाएंगे क्योंकि ठंड के मौसम में हम सभी को गुड़ खाना चाहिए। गुड़ हमारे शरीर को गर्म रखती है इसलिए। हम अपने हलवे को चलाते रहेंगे और ये देखिए गुड़ भी हलवे में अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ इसे चलाते हुए पकाते रहना है। तो बस हमारा हलवा अच्छे से भून चुके हैं और ये देखिए इसके साइड्स से भी घी छोड़ने लगे हैं। इसका मतलब है हलवा अच्छे से भून चुके हैं। तो बस अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो बताइए ये हलवा था ना एकदम अलग तरीके का। आप लोग बहुत बार मूंग दाल का हलवा खाए होंगे लेकिन इस बार मेरे तरीके से मूंग दाल का हलवा बनाकर देखिए। जो भी लोग ये हलवा खाना नहीं पसंद करते होंगे वो भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये मूंग दाल का हलवा। ठंड के टाइम में तो इसे एक बार ट्राई करना बनता है। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये हलवा कैसा लगा।
अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।